गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष एंड यू आर वेलकम टू माई ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज हम जानेंगे इंग्लिश के पांच ऐसे शब्द जो प्लूरल के रूप में रहते तो हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, और जब उनका वाक्य में प्रयोग होता है तो उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको यही शब्द बताने तो इतना खींचते क्यों हैं। दरअसल मैं खींचता नहीं हूँ, बल्कि चित्रों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बच्चे चित्र से देख करके 80% सीखते हैं, मतलब लर्निंग होता है। इसीलिए तो चलिए जानते हैं। आपने ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे चित्र बनाए होंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार के एंगल्स होते हैं वह, और कुछ इस तरह के चिन्ह होते हैं, कुछ इस तरह के एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंशियल होते हैं, कुछ इस तरह के घात वाले आपने बनाए होंगे मैथमेटिक्स, कुछ इस तरह के लाइन ड्रॉ किए होंगे। देखिए, यह है फ्रैक्शन, इस तरह की चीज़। देखिए, यह चिन्ह, कहीं जोड़ है कहीं घटाव है, और कहीं पाई है, कहीं पे लेस देन कहीं मोर देन है। तो इसको देखने के बाद बच्चों, आपके दिमाग में एक चित्र बना होगा, एक शब्द आया होगा, वह है मैथमेटिक्स हमेशा। अब बच्चों, आपने रॉकेट के बारे में, बल्ब के बारे में, सूरज के बारे में, रोबोट के बारे में सुना होगा। इसके बारे में जिस चीज़ में हम सीखते हैं पढ़ते हैं वह है फिज़िक्स। ये भी देखिए इसके लास्ट में एस है। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का। ये देखिए सत्यमेव जयते, इसके बारे में आपने कौन सी किताब में पढ़ा था? अपनी संसद के बारे में आपने कौन सी पुस्तक में पढ़ा या पढ़ते हो? ये है हमारी संसद, और ये है दिल्ली का इंडिया गेट, देश की सरकार का पदानुक्रम। उसको पढ़ते हैं हम लोग सिविक्स में, मतलब नागरिक शास्त्र। बच्चे, आपने बहुत सी नीतियाँ सीखी होंगी, उसमें से एक दो नीतियों के बारे में जिक्र करता हूँ। जैसे लिखने के पहले सोचो, बोलने के पहले सोचो, सुनो ज़्यादा, कान दो हैं, बोलो थोड़ा कम, मुंह एक है। इसके बारे में जिसमें हम लोग सीखते हैं वो है एथिक्स, मतलब नीति शास्त्र। देखिए बच्चों, याद करो, यह स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान जब स्वाधीनता आंदोलन चलता था तो हमारे देश के रणबांकुरे, हमारे देश के क्रांतिकारियों, देशभक्त लोगों को अंग्रेज सरकार क्या करती थी, अंग्रेजी हुकूमत क्या करती थी, इन पर लटका करके फांसी देती थी। मतलब हम बात करने वाले हैं फांसी के तख्ते की, जिसको बोलते हैं गैलोज। देखिए हमेशा प्लूरल में। देखिए ये चित्र मिरर का आप किस में देखते हैं? ये देखिए मिरर का हो, लेंस का हो, इसके बारे में आप जानते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। देखिए बच्चों, सुबह सुबह आपको न्यूज़ मिल जाता है, समाचार मिल जाता है, तो समाचार जानने वाला शब्द समाचार, न्यूज़, ये भी प्लूरल नंबर। थैंक यू बच्चों, ये थे पांच से ज़्यादा शब्द जो इंग्लिश के थे, जिसके लास्ट में एस या ई एस लगा रहता है, वो प्लूरल जैसा दिखता है लेकिन सिंगुलर होता है।